तो बच्चों हम लोग कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देखो इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल है एंड स्क्वायर प्लानर है। देखो स्क्वायर प्लानर में आपका दो टाइप का पोजीशन होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इनके बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। लेकिन ये और इस वाले बॉन्ड के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल। तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में, ऑल द पोजिशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ये वाला पोजिशन मतलब पोजिशन 1, पोजिशन 2, पोजिशन 3। देखो पोजिशन 1 एंड पोजिशन 2 तो इक्विवेलेंट है, लेकिन पोजिशन 1 एंड पोजिशन 3 इक्विवेलेंट नहीं है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहाँ पे इस ए को यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तब ए एंड ए के बीच में कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। मतलब पोजीशन पूरा चेंज हो गया, पहले 180 डिग्री एंगल था, अब ए को मैं अगर यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ तो एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब तुम यहाँ पे ये वाला पोजिशन 1, ये पोजिशन 3 देखो, एंड यहाँ पे इस पोजिशन को देखो, इस पोजिशन को देखो, ये पोजिशन आपका इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री ऑल द पोजिशंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में हम इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर तक किसी भी तरीके का रोटेशन से जा नहीं सकते हैं। मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर को रोटेशन करते हैं, बॉन्ड को हम रोटेशन करते हैं, तो हमें ये स्ट्रक्चर कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तुम अगर पूरा मॉलिक्यूल को भी घुमा दो, मतलब मॉलिक्यूल को पकड़ के एक प्लेन में रख के मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, तब भी आपका ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ये। सोचो आप, मान लो आप इस बॉन्ड को फिक्स करके अगर ये तीनों बॉन्ड घुमाने जाओगे तो क्या होगा, घुमाने के बाद ये बी यहां पे आ जाएगा और ये बी यहां पे आ जाएगा, लेकिन ए आपका वहीं पे रहेगा। आप पिन रख के घुमा के देखना, अगर आप इस ए को फिक्स करके इन तीनों बॉन्ड को घुमाने जाओगे, ये बी यहां पे आ जाएगा, ये बी यहां पे आ जाएगा और ये अपनी जगह पे रह जाएगा। मतलब ये स्पीसीज तो बन नहीं सकता। इस मेटल के सराउंडिंग में, एम के सराउंडिंग में इन बॉन्ड का रोटेशन क्या, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगा। सो इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री GI इज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसको हम कह देंगे ट्रांस, इसको हम कहेंगे सीस। एक रेस्पेक्ट में देखो 180 डिग्री में और एक ए है, इसलिए हो जाएगा ट्रांस। एंड यहाँ पे ये दोनों सेम साइड में है, इसलिए हो जाएगा सीस, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में देखो, ए के साथ डी का कितना डिग्री एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट। ए के साथ बी का कितना एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट। ए के साथ सी का कितना एंगल है, सेम एंगल है। सी के साथ बी का कितना एंगल है, सेम एंगल है। तो टेट्राहेड्रल के लिए सारे पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। टेट्राहेड्रल के लिए ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। तो हम यहां पे ऐसा लाइन लिख सकते हैं, ऑल लिगेंड्स या ऑल बॉन्ड्स, ऑल लिगेंड्स आर प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर सिमेट्रिकली। और एक पॉइंट हम कह सकते हैं, ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंट ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल एटम।
मेटल से ए के बीच में डिस्टेंस जितना होगा, मेटल से डी के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा, मेटल से बी के बीच में जितना डिस्टेंस होगा मेटल एंड सी के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा, ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस। लेकिन लेकिन स्क्वायर प्लेनर में देखो, ये और ये ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा और ये ए के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। ये और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये और इसके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं है, लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एटम, बट इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर ऑल द लिगेंड्स आर, अच्छा यहां पे देखो ये इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल एटम नहीं बोलेंगे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बोलेंगे, फ्रॉम ईच अदर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ऑल द लिगेंड्स आर नॉट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ए एन ए के बीच में तो डिस्टेंस होगा, ए एन बी के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा करेक्शन कर लेना, ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ये थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, फ्रॉम ईच अदर, इसी के कारण टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जी आई नॉट पॉसिबल, ये दो पॉइंट आप एग्जाम में लिख देना, ऑल लिगेंड्स आर प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर सिमेट्रिकली, ऑल द लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इच अदर, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लिख देना एग्जाम में, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म। तो एस पी थ्री में जी आई नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर या डी एस पी टू में आपका जी आई पॉसिबल है। तो अभी हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए, तो स्टार्ट करते हैं जी आई इन स्क्वायर प्लेनर। देखो मैं यहां पे टाइप बताऊंगा, ये करके टाइप वन एम ए फोर, यहां पे ए मतलब लिगेंड है, ठीक है, ए फोर मतलब सारे लिगेंड सेम है। तो अगर सारे लिगेंड सेम है तो आप सोच सकते हो यहां पे जी आई तो पॉसिबल नहीं होगा, जी आई नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या होगा, आप तो लिखोगे एक, मतलब खुद ही वो कंपाउंड उसी को हम बोल देंगे आइसोमर, मतलब उसको आइसोमर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इसके लिए कितना आइसोमर होगा, आप सिर्फ आंसर लिखोगे वन, खुद ही वो कंपाउंड होगा उसका आइसोमर, ऐसा ही ऐसा ही आंसर, मतलब जीरो नहीं लिखोगे आंसर तुम, ठीक है। अगर जी आई होता तो इस फॉर्मूले से कितना हो जाता, आइसोमर दो, ठीक है। अगर जी आई होता तो इस फॉर्मूले से आइसोमर हो जाता दो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ आइसोमर तो आप क्या लिखोगे वन, जीरो नहीं लिखना है। उसके बाद टाइप टू, टाइप टू में है एम ए थ्री बी, अब इसमें जी आई पॉसिबल है क्या, इसमें भी जी आई पॉसिबल नहीं है। अब बना के देखो, मैं और स्ट्रक्चर बनाता हूं, बी को यहां कर दिया ऐसा, अब ये दोनों एक दूसरे का जी आई है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तुम इस मॉलिक्यूल को प्लेन में रख के थोड़ा ऊपर साइड फ्लिप कर दो, प्लेन में रख के ऊपर साइड फ्लिप कर दो, मतलब तुम्हारे पास अभी जो बुक है बुक को थोड़ा फ्लिप कर दो तो देखो ये बन जाएगा, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको फ्लिप कर दो तो सेम चीज बन जाएगा। तो यहां पे जी आई पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है टाइप थ्री, टाइप थ्री में एम ए टू बी टू, इसमें तो जी आई होगा, अभी हमने देख लिया था, एक सीस ट्रांस होगा, एक सीस होगा और एक ट्रांस होगा, तो नंबर ऑफ जी आई हो जाएगा टू। उसके बाद टाइप फोर एम ए टू बी सी, इसमें कितना होगा जी आई, आप सोचो, मैं बना के दे रहा हूं, ऑलवेज आप ट्रांस से बनाने की कोशिश करोगे, ए ए ट्रांस हो गया, ई एक हो गया, और एक बनाते हैं ए ए को सीज कर दो, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या यहां पे, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर ऑफ जी आई यहां पे हो जाएगा टू।
अच्छा मैं यहाँ पे ए बी सी तो कर रहा हूँ, ए मतलब एग्जाम में आपको लिगेंड का नाम लिगेंड दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ए आपका हो गया NH3, बी आपका हो गया H2, सी आपका हो गया Cl, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। टाइप 4 MABCD। इसमें देखो क्या होगा, ए को फिक्स करो, क्या करो ए को फिक्स करो। अब ए को फिक्स करके एक एक करके ट्रांस करो, ए ट्रांस टू बी, ए ट्रांस टू सी, ए ट्रांस टू डी। अब बाकी यहां पे फिल कर दो, मान लो यहां पे कर दो सी, यहां पे कर दो डी, यहां पे कर दो बी, यहां पे कर दो डी, यहां पे कर दो बी, यहां पे कर दो सी। तो देखो ए ट्रांस टू बी हो गया, ए ट्रांस टू सी हो गया, ए ट्रांस टू डी हो गया। और जब तुम ए ट्रांस टू बी कर रहे हो तब सी ट्रांस टू डी हो रहा है, जब ए ट्रांस टू सी कर रहे हो तब बी ट्रांस टू डी हो रहा है। तो सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप एक एक करके बना के देखना। देखो एग्जाम में आप ये सारे बना के तो नहीं, मतलब बनाना तो पॉसिबल नहीं, अभी धीरे धीरे और क्रिटिकल होता जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या हुआ है, MA4 में कुछ नहीं हुआ है, MA3B में कुछ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, MA2B2, MA2B2 में दो हुआ है, MA2BC में दो हुआ है, MABCD में कितना हुआ है, तीन हुआ है। आप एकदम तो इसको रट लेना, एकदम फटाफट करोगे। अच्छा ये एक्चुअली में टाइप 5 था, उसके बाद है टाइप 6। टाइप 6 में हम क्या करेंगे, अभी हम बाइडेंटेड लिगेंड का बात करेंगे। अच्छा ये कौन सा लिगेंड है, ये आपका इथिलीन डायमीन है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये इसको नाइट्रोजन को मान लिया ए जैसा, अब इसको मैं ऐसे बनाऊँगा बनाने का तरीका, ठीक है। अब ए को मैंने एक साथ ब्रैकेट में लिखा है तो ये आपका हो जाएगा बाइडेंटेड लिगेंड, ये ऐसा दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें कितना GI होगा, इसमें तो सारे एटम सेम है, अब बना के देखो कोई GI पॉसिबल नहीं होगा, नो GI। उसका T7 सॉरी टाइप 7 MAA B2। ये देखो ये दिस इज लाइक MA2B2। थोड़ी देर पहले MA2B2 जैसे हुआ था उसमें कितना हुआ था, GI दो हुआ था, इसमें देखो कितना GI होगा। अब सोचो इसमें भी दो होगा क्या, इसमें भी दो होगा क्या, देखो मैं बना रहा हूं। इसमें ऐसा तो एक पॉसिबिलिटी है, मतलब ये आपका हो गया सीस जैसा, लेकिन ये पॉसिबल है क्या, ए को यहां कर दो और एक ए को यहां कर दो, पॉसिबल है क्या? ये ए तो एक साथ रहेगा ना, ऐसे कनेक्ट होके पॉसिबल नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल वगैरह टूट जाएगा, बॉन्ड वगैरह टूट जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में ट्रांस पॉसिबल नहीं है, मतलब नो GI, नो GI। देखो मैं यहां पे जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आप लोग जब वीडियो को देखोगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ के करोगे, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका इमेजिनेशन पावर थोड़ा अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए, ऐसे रट लोगे तो हो जाएगा, लेकिन जब वीडियो को देखोगे स्टार्टिंग में उसको अच्छे से समझोगे, बाद में तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप थोड़ी इतना टाइम लगा के करोगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद देखते हैं टाइप 8। MAA BC, इसमें पॉसिबल है क्या, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, रीजन एज अबव, नो GI। टाइप 9 देखते हैं, MAB whole twice, अब इसमें पॉसिबल है क्या, अब इसको सोच लो तुम MA2B2 जैसा, इसमें पॉसिबल है, कैसे होगा, यहां पे AB मतलब AB ऐसा लिगेंड, ठीक है,
यहाँ पे ए कर दो, इसमें यहाँ पे इसको बी रख देता हूँ, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बना दो, अब ए बी ऐसा कर दो। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हो रहा है वो सीस हो रहा है, सीस देखो ए ए सेम साइड में है, बी बी सेम साइड में है, तो ये हो गया सीस। अब यहाँ पे ट्रांस बनाना पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, इसको देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इस यहाँ बना रहा हूँ देखो ऐसा। चलो तुम यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे बी रखो, यहाँ बी, ट्रांस बना लिया मैंने। अब क्या करो, इनके बीच में कनेक्शन कर दो, ये तो पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं, ये आपका पूरा हो गया ए बी बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, ये भी हो गया ए बी बाइडेंटेड लिगेंड, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांस। तो यहाँ पे जी आई पॉसिबल, नंबर ऑफ जी आई हो जाएगा 2। उसके बाद है टाइप 10, एम ए बी सी 2, इसको थोड़ा सोचो, देखो यहाँ पे सी को लेके हम खेलते हैं, सी सी को ट्रांस कर दो, अगर सी सी को ट्रांस करोगे ए बी को, ऐसा होना पड़ेगा, वो पॉसिबल है क्या? नहीं है, हम सी सी को ऐसा कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन सी ट्रांस तो यहाँ पे हुआ नहीं, मतलब नो जी आई, तो नंबर ऑफ जी आई यहाँ पे लिखोगे 1। टाइप 11, एम ए बी सी डी, इसमें पॉसिबल है क्या? बोलो बोलो, तुम लोग खुद एक्सपर्ट हो जाओगे, एक ऐसा कर लो, यहां मैंने ए के साथ डी को ट्रांस किया है, यहां मैं करता हूं ए के साथ सी को ट्रांस, तो ए बी ऐसे लगा दो और डी को ऐसे लगा दो, हो गया। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, ए के साथ डी का हो सकता है ट्रांस, सी का हो सकता है ट्रांस, लेकिन ए के साथ बी का ट्रांस नहीं हो सकता है, तो नंबर ऑफ जी आई यहां पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो किस किस में हुआ, एम ए बी सी, लास्ट में तुम समराइज कर लेना, इसमें हुआ, एक टेबल जैसा बना लेना, ठीक है, यहां पे तुम जिस जिसका हुआ एक टेबल बना लेना, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, इसका हुआ है, तो टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क्स लगा देना, जिन जिन का यहां पे जीआई हुआ है उनको आप एक टेबल में समराइज करके लिख लेना लास्ट में, वो मैं नहीं लिखा रहा हूं, तुम लोग कल जब मुझसे नोट भेजोगे उसमें होना चाहिए टेबल, ठीक है, बाद में आप ही को फायदा होगा। तो बहुत सारा टाइप कर लिया, अब हम देखेंगे जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब आपका sp3d2 हो सकता है, या तो d2 sp3 हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, मैं थोड़ा नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिशन या ट्रांस आइसोमर कब होगा, ट्रांसपोजिशन हम बोलते हैं इसको, देखो 1 और 4 को हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, 6 और 3 को हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, 2 और 5 को हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, और कोई ट्रांसपोजिशन यहाँ पे एप्लीकेबल मतलब नहीं है, बाकी सारे क्या होगा, जब सिक्स पोजीशन में लिख देता हूं 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 1, 6,
अच्छा और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या सिस पोजीशन में? अच्छा सिस पोजीशन मतलब आपका 90 डिग्री वाला, ठीक है, ट्रांस पोजीशन मतलब आपका 180 डिग्री वाला। मैंने यहाँ पे और कुछ मिस किया है क्या? आप लोग जल्दी से सोचो। 2.6 मैंने मिस कर लिया है, 2.6 नहीं है, और कुछ मैंने मिस किया है क्या? थ्री कॉमा वन मैंने मिस किया है। 90 डिग्री वाले पोजीशन आपके होंगे सिस पोजीशन, टोटल 9 सिस पोजीशन है, सॉरी 9 नहीं, इससे ज़्यादा होगा। अच्छा कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूँ, इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करके देखो, इसके साथ इसका एक हो गया सिस पोजीशन, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है, इसको फिक्स करो, इसके साथ हो गया एक दो तीन चार हो गया, टोटल अभी तक 8 हो चुका है। अब इस स्क्वायर प्लेन को देखो, अब इन एक्सियल वाले को भूल जाओ, एक्सियल वाले बाहर में जाए। अब ये हो गया एक सिस पोजीशन, ये हो गया एक सिस पोजीशन, ये हो गया एक सिस पोजीशन, ये हो गया आपका एक सिस पोजीशन, टोटल आपका 12 सिस पोजीशन होगा, टोटल 12 होगा। अब मैंने यहाँ पे 9 बनाया है, टोटल होगा 12 सिस पोजीशन, ठीक है। ऑक्टेडल ज्योमेट्री में आपका अलग अलग पोजीशन अवेलेबल है, एक 180 डिग्री वाला पोजीशन अवेलेबल है और एक आपका 90 डिग्री पोजीशन अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन अवेलेबल है, इसीलिए ऑक्टेडल ज्योमेट्री में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। अब ऑक्टेडल ज्योमेट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करेंगे, तो इसमें ये टाइप वन MA6 कोई GI होगा? नहीं होगा। इसके बाद टाइप 2 MA5B, इसमें GI होगा क्या? इसमें होगा क्या GI? इसमें सोचो, इसमें GI नहीं होगा। अब टाइप 3 MA4B2, इसमें होगा क्या GI? हाँ बिल्कुल होगा GI। देखो आप ऑलवेज क्या करोगे, ट्रांस से बनाना कोशिश करोगे, देखो जो छोटा नंबर है, जो कम नंबर से उसको लेके तुम सोचोगे, यहाँ पे B को लेके मैं सोचूंगा, ठीक है, मुझे ट्रांस बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक्सियल में यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं A ऐसे कर दिया, ये हो गया एक ट्रांस, और यहाँ पे B रखा, यहाँ पे B रखा, ये A A A और ये आपका हो गया सिस। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे ऑक्टेडल ज्योमेट्री में मैंने इसको लेके स्क्वायर प्लेन बनाया है, मैंने इसको लेके स्क्वायर प्लेन बनाया है। आप लोग 1643 को लेके भी स्क्वायर प्लेन बना सकते हो, तो आपका 5 और 2 हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। आप 1 2 कहाँ गया, आप 1 2 5 4 को लेके भी स्क्वायर प्लेन बना सकते हो, तब आपका 6 और 3 हो जाएगा एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो हम अपने तरीके से इस ऑक्टेडल ज्योमेट्री बना सकते हैं। आप ऑलवेज ऐसा मत सोचना यही वाला आपका हो सकता है स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन ये भी हो सकता है और आपका ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो हम यहाँ पे थे, इसमें तो मैंने सिस ट्रांस बना लिया, दो बना लिया, और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, और पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। देखो अगर किसी को ऐसे बनाना है सिस को, अगर किसी को सिस को ऐसे बनाना है, तब भी ये और ये सेम ही होगा, ठीक है। इस वाले में देखो स्क्वायर प्लेन में आपका ये है, आप इसमें सोचो ये आपका स्क्वायर प्लेन है, तो देखो एक्चुअली में दोनों सेम ही होगा घुमा फिरा के। तो यहाँ पे GI आपका हो जाएगा 2, तो ये सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है MA4B2 ऑक्टेडल ज्योमेट्री में। लास्ट में आप लोग इसका एक टेबल बनाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आएगा टाइप 4
टाइप फोर में क्या है मेरे भाई, एम ए फोर बी सी, यहाँ पर भी आपका दो होगा, एक बार बी सी को कर दो सीस और एक बार बी सी को कर दो ट्रांस, तो जी आई आपका हो जाएगा यहाँ पे दो। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, तुम लोग बना लेना दोनों जी आई, ठीक है, याद करके बना लेना, छोड़ना मत। उसके बाद टाइप फाइव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम ए थ्री बी थ्री, इसमें अब दो दो होता है, एकदम इसको पूरा रट लेना, देखो मैं बना रहा हूं दो, रट लेना एकदम इसको, रट लो उसमें दो होगा, कैसे दो बनाएंगे देखो, एक बार आप करो तीनों ए को या तीनों बी को, क्या बोल रहा हूं मैं, तीनों ए को या तीनों बी को सेम प्लेन में रख दो, कहां रख दो, सेम प्लेन में रख दो, ये मैंने रख दिया ए ए ए, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है बी को फिल करने का, ऐसा ऑप्शन है। अच्छा मैंने यहां पे सेम प्लेन में तीनों ए रखा है, आप चाहो तो बी भी रख सकते हो, इसको हम बोलेंगे मर आइसोमर, या इसका करेक्ट नाम है, मतलब इसका फुल फॉर्म है मेरिडियोनल आइसोमर। अच्छा सेकंड वाले को कैसे बनाएंगे, मर को आप ऐसे बनाओगे, याद रखो मर में आपका एक प्लेन में तीन होगा, मर में आपका एक प्लेन में तीन होगा, रट लो मर में आपका एक प्लेन में तीन होगा। अब इसमें उसके बाद और एक है फैक, इसको बोलते हैं फेसियल, देखो यहां पे तीन ए सेम प्लेन में था, अब क्या करोगे आप, एक ए एंड बी के बीच में एक्सचेंज कर दोगे, क्या करोगे आप, एक ए एंड बी के बीच में एक्सचेंज कर दोगे, तो यहां पे ए हो गया, ए हो गया, और आप यहां पे कर दो बी, कर दो बी, कर दो यहां पे ए, कर दो यहां पे बी, कर दो। तो पहले आप मर को बनाओगे, अगर मर आप बना लोगे तो फैक बना लोगे, मर में क्या होगा, तीनों लिगैंड सेम प्लेन में होगा, उसके बाद इसके साथ इसका कर दो एक्सचेंज, या इसके साथ इसका कर दो एक्सचेंज, ठीक है, लेकिन इसके साथ इसको करोगे एक्सचेंज तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसके साथ इसको भी कर सकते हो एक्सचेंज, आप इसके साथ इसको भी कर सकते हो एक्सचेंज, तो ये हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा उसके बाद है टाइप सिक्स, अब इसमें क्या है, एम ए थ्री बी टू सी, अब इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, देखो इसमें पहले सी को पकड़ लो, अब सी के साथ एक बार कर दो बी को ट्रांस, और एक बार सी के साथ कर दो ए को ट्रांस, और जब सी के साथ बी को ट्रांस कर दिया तो बाकी ऐसे ही फिल हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कर दो अब बी बी कर दो, एंड इसमें कर दो ए ए। अब देखो इस वाले केस में और एक पॉसिबिलिटी है, जब सी ए ट्रांस पे है, जब सी ए ट्रांस पे है इस प्लेन को देखो, अब ये एम ए टू बी टू स्क्वायर प्लेनर जैसा लग रहा है ना आपको, एम ए टू बी टू, अब इसमें तुम कर दो एक ट्रांस, देखो ऐसे हो गया ये सी ए ए, मतलब बी बी हो जाएगा ट्रांस यहाँ पे, इन दोनों में बी बी ट्रांस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, बी बी ट्रांस यहीं पर हुआ है, तो ये और ये, अच्छा ये तीनों अलग अलग है, अच्छे से ध्यान से देखो ये तीनों अलग अलग हैं, और पॉसिबिलिटी है क्या, अच्छा यहाँ पे देखो ये सी बी ट्रांस पे है एक्सियल में है, अब इस स्क्वायर प्लेन को देखो ये एम ए थ्री बी जैसा है, एम ए थ्री बी स्क्वायर प्लेनर का सोचो, उसमें कुछ जी आई हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ पे तुम कुछ भी घुमा के नया आइसोमर जनरेट नहीं कर सकते हो। तो देखो फिर से देखो मैंने कैसे किया है, मैंने पहले सी को पकड़ लिया है,
अब सी को पकड़ के मैंने क्या बोला था, ट्रांस को लेकर करोगे अच्छा होगा। सी को पकड़ के मैंने बी को ट्रांस किया, सी को पकड़ के मैंने ए को ट्रांस किया। जब मैंने सी और ए को ट्रांस पर रखा तो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी बन गया है, ये जो स्क्वायर प्लेनर है ये एम ए टू बी टू जैसा है। अब एम ए टू बी टू के लिए देखो स्क्वायर प्लेनर में आपका जी आई हो रहा था, तो यहाँ पे बी बी को मैंने ट्रांस कर दिया, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, टोटल आपका तीन बन गया है जी आई थ्री। अगर आपको समझ में नहीं आया है और एक बार इसको मतलब रिवाइंड करके देखो और थोड़ा स्लोली देखना, मैं आज का वीडियो बहुत स्पीड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद है टाइप सेवन, टाइप सिक्स हो गया, टाइप सेवन एम ए टू बी टू सी टू, एम ए टू बी टू सी टू। देखो अब तुम थोड़ा दिमाग लगा करो इसको, मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, ए ए ट्रांस कर देता हूँ एक बार, बी बी ट्रांस कर देता हूँ, सी सी ट्रांस कर देता हूँ, ठीक है। जब ए मैंने ट्रांस किया है देखो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बी बी को ऐसे ही रख दो, सी सी को ऐसे ही रख दो, ऐसे हम रख सकते हैं। अब इसको देखो ये एम ए टू बी टू जैसा है, इसको लेके और एक ऐसा बना दो, ऐसा बनाने में कोई पाप तो नहीं है, ये बन गया। अब देखो दूर दूर तक ये दोनों सेम है क्या, मतलब इन दोनों को किसी भी तरीके से घुमा के बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो, तुम सोचो अच्छे से, पॉसिबल नहीं बनाना इसको, सोचो सोचो। देखो एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लास में ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब मुझे अभी थोड़ा एनिमेशन यूज़ करना चाहिए था लेकिन वो पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। अगर फेस टू फेस होता तो स्टीरियो केमिस्ट्री समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होता। इसके बाद ये वाला देखो, ये इसमें बी बी ट्रांस है, अब मेरे पास क्या है अपॉर्चुनिटी, ए ए सी सी, ठीक है सी सी। अब इसको भी सोच लो उसके जैसा, तो मैं यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ, इसको ए ए ट्रांस कर देता हूँ, सी सी ट्रांस कर देता हूँ। अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है इस वाले में, इसमें इसको ये ए ए ऐसा कर दो, बी बी ऐसा कर दो, इसको लेके और एक बना दो सी सी, ये ए ए ये बी ये बी। देखो अब मैंने यहाँ पे टोटल छः तो बनाया है, अब इसमें से बताओ कौन कौन सा कॉमन है। अब देखो इसको और इसको देखो, देखो इसको अच्छे से देखो इन दोनों को, इसमें ए ट्रांस, इसमें भी देखो ए ट्रांस, देखो इस लाइन को देखो ए ट्रांस, सी सी ट्रांस, इसमें भी देखो सी सी ट्रांस, इसमें बी बी ट्रांस, इसमें भी देखो बी बी ट्रांस, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सेम है, ठीक है। अब देखो इसको इसको देखो, सी सी ट्रांस, बी बी ट्रांस, ए ट्रांस, ये दोनों भी सेम हैं, तो ये तीनों मिला के एक है। अच्छा ये तीनों तो डिफरेंट है, या ये तीनों में से कोई कॉमन है, ये इस चारों में से कुछ कॉमन है क्या? इन चारों को देखो, इसको 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 देखो, कुछ कॉमन है क्या? अच्छा ये चारों तो आपका डिफरेंट है। देखो अभी तक टोटल चार हमने बनाया है, और थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं एक्चुअली में कितना पॉसिबल है।
अच्छा ये ऑक्टेटल ज्योमेट्री है, ऑक्टेटल ज्योमेट्री में आपका टोटल 3 ट्रांसपोजिशन है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी एंड सी को 3 पोजीशन में रख रहा हूँ। ये ए हो गया यहाँ पे, यहाँ पे बी हो गया, अब यहाँ पे सी हो गया। अब बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशन है, सी के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है, ए के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है। तो मैंने ए बी सी को रख दिया है। अब मेरे पास देखो 3 बॉक्सेस हैं। अब इन तीनों बॉक्सेस में पुट करने के लिए मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ए बी सी। इन तीनों बॉक्स में मतलब ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है। बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है। सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है। तो ये तीनों बॉक्स में मुझे अभी ए बी सी को पुट करना है। अब तीनों बॉक्स में ए बी सी को पुट करने का हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होगा, कितना पॉसिबिलिटी है, 3 फैक्टोरियल होगा, मतलब टोटल 6 होगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल होगा मतलब टोटल 6 होगा। देखो देखो मैंने यहाँ पे ए को पूरा फिक्स रखा है, बी को पूरा फिक्स रखा है, सी को पूरा फिक्स रखा है। ये आपका पहला पॉसिबिलिटी है। बॉक्स में हो गया ए बी सी, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, ए सी बी। उसके बाद देखो ए ए कॉम्बिनेशन हो गया, अब मैं क्या करूँगा, ए बी ऐसे हो गया। तो देखो आप समझ सकते हो टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे अलग अलग है या इसमें से कोई एक दूसरे के साथ कॉमन हो जाएगा। इसको देखो कहाँ गया, ए बी ट्रांस है, बी सी ट्रांस है, और ये क्या है, सी ए ट्रांस। ऐसा और कुछ है क्या इसमें, देखो ये ए बी ट्रांस, बी सी ट्रांस एंड ए सी ट्रांस, मतलब ये दोनों सेम होंगे। और कुछ सेम होंगे क्या, आप लोग करके देखो, थोड़ा समझ के देखो, और सेम नहीं होगा, ध्यान से देखना। जैसे ये ए सी बी बी सी सी, बी बी सी सी, इसमें बी बी सी सी हो रहा है, लेकिन ये ए ए ट्रांस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए सी ट्रांस। अच्छा ये वाला मैंने थोड़ा गलत बनाया है, ये थोड़ा गलत बनाया है, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लो। ये आपका होगा ए, ठीक है, ए सी ट्रांस एंड बी बी ट्रांस। और कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, ऐसा दो बार ए सी ट्रांस और एक बार बी बी ट्रांस, नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। तो टोटल आपका अलग अलग क्या हुआ, 5 अलग अलग हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जी आई हो जाएगा 5। अच्छा मैंने तो 4 बनाया है, अब इन 5 कॉम्बिनेशन में मैंने 4 बनाया है, एक नहीं बनाया है। आप लोग क्या करोगे, जो मैंने नहीं बनाया है उसको कॉपी में बनाओगे, मैं कल चेक करूंगा। मैंने जो नहीं बनाया उसको आप लोग कॉपी में बनाओगे। इन तीनों को देखो, सॉरी इन 4 को देखो, और यहाँ पे इन 5 अरेंजमेंट को देखो, जो मैंने नहीं बनाया है वो तुम लोग कॉपी में बनाओगे, मैं नेक्स्ट दिन चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद है टाइप 8, इसमें सारे लिगेंड्स डिफरेंट है, एम ए बी सी डी ई एफ। तो इसका आप लोग याद रखना टोटल जी आई 15, टोटल जी आई होगा 15। तो अभी तक देखो ऑक्टेटल में क्या क्या हुआ है, एम ए सिक्स में नहीं हुआ है, एम ए फाइव बी में नहीं हुआ है, एम ए फोर बी टू में 2 हुआ है, एम ए थ्री बी थ्री में 2, एम ए फोर बी सी में 2 हुआ है, एम ए थ्री बी थ्री में 2 हुआ है। एम ए थ्री बी थ्री में मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है फैक एंड मर, मर को कैसे बनाना है आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद एम ए थ्री बी टू सी, एम ए थ्री बी टू सी, एम ए थ्री बी टू सी में जी आई कितना हुआ है 3, और लास्ट में और एक मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया, एम ए टू बी टू सी टू, उसमें कितना हुआ है 5। अगर आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको थोड़ा एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, बाइडेंटेड लिगन वगैरह लगाऊंगा, टाइप 9 एम ए ए होल थ्राइस, मतलब ये आपका ये बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें तो सारे आइटम सेम है, इसमें कोई जीआई नहीं होगा, ठीक है। टाइप 10 इसमें कुछ होगा क्या? अच्छा ये आप सोचो, इक्विवेलेंट टू सोचो एम ए फोर बी टू, एम ए फोर बी टू में जीआई कितना हुआ था, दो हुआ था, यहां पर भी देखो जीआई दो होगा। मैं बना के दे रहा हूं आपको, बी बी ट्रांस कर दो तो ये वाला आइडेंटिटी लिगेंड और ये वाला आइडेंटिटी लिगेंड ट्रांस हो गया, ठीक है। ये हो गया एक, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है, बी बी सीज कर दो, अब चारों ए यहाँ पे पुट कर दो। अब बाइडेंटेड लिगेंड का कनेक्शन आपको अच्छे से दिखाना है, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपको ये पूछा जाएगा, जनरली ये पूछा जाता है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस, इसको हम बोलेंगे सिस, ठीक है। उसके बाद है टाइप 11, टाइप 11 में आपका एम ए ए टू ए बी सी, ये आपका एम ए फोर बी सी जैसा है, ये आप सोचो इसके जैसा ही होगा, जैसे एम ए फोर बी टू एंड एम ए फोर बी सी सेम हुआ था, इसके लिए भी सेम ही होगा। इसके लिए भी आपका जी आई कितना होगा, जी आई हो जाएगा दो। टाइप 12, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, एम ए ए बी टू सी डी, इस पे कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें हम बना के देखते हैं। ए को ऐसा रख दो, देखो ए तो ट्रांस हो नहीं सकता, अब बी मेरे पास बाकी है, दो बी बाकी है एक और सी डी बाकी है, बी बी को ट्रांस कर दो, ये हो गया। ए को तो आप फिक्स रखो, उसमें कुछ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। और क्या होगा, बी के साथ सी का ट्रांस कर दो, तो यहाँ पर रख दो बी। और क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, बी के साथ डी को ट्रांस कर दो, तो यहाँ पर रख दो बी और यहाँ पर रख दो सी। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, है क्या और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, और कुछ पॉसिबिलिटी तो जी आई हो जाएगा 3। अच्छा इसमें और एक पॉसिबिलिटी मैंने काउंट नहीं किया था, बी बी ट्रांस तो हो गया है, बी सी ट्रांस तो हो गया है और बी डी ट्रांस तो हो गया है, लेकिन अभी तक सी डी ट्रांस नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखो अच्छे से, सी डी ट्रांस नहीं हुआ है, तो सी डी ट्रांस वाला मैं बनाना भूल गया था, सो काटो इसको, थोड़ा सा गलती होने से पूरा मार्क्स चला जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया, टोटल आपका 4 हो रहा है, टोटल जी आई 4। उसके बाद है टाइप 12, अच्छा टाइप 12 तुम लोग खुद से करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे कल बताना करके, कल दिखाना है इसको, ठीक है, कल दिखाना मुझे करके इसमें कितना होगा टाइप 12 में। अच्छा उसके बाद है टाइप 13, टाइप 13 में एम, अच्छा टाइप 13 में है एम ए ए बी टू
सी टू, इसमें बना के देखते हैं, ए को फिक्स कर दो, ये बी बी सी सी, बी बी ट्रांस हो गया, एक बार कर दो बी सी ट्रांस, अच्छा अभी सी सी ट्रांस नहीं हुआ है, और कुछ पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। तो जिनमें दो तीन वाला हो रहा है, जिसमें दो तीन जीआई वगैरह हो रहा है, उसको तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। द टाइप 14 में है एम ए बी होल थ्राइस, मतलब ये ऐसा बाइडेंटिक लिगेंड है, इसको सोच लो एम ए थ्री जैसा, फैकनमर जैसा, इसको मैं बना देता हूँ, ये ए बी मर में मैंने क्या बोला था, तीनों एटम को सिंपली में रखना पड़ेगा, फैक में क्या होगा, इसको ऐसे रख दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, अब तुम्हें दिखाना है कनेक्शन, ए बी का कनेक्शन है, यह ऐसा हो गया, इसमें तुम क्या करोगे इसके साथ इसका कर दो, और इसके साथ इसका कर दो, और इसके साथ इसका कर दो, ऐसा हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तो 90 डिग्री में है, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 डिग्री में होगा तो ऐसा हम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, अगर 180 डिग्री में होगा तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी आई आपका हो गया 2। टाइप 15 में है एम ए बी टू सी टू, एम ए बी टू सी टू, और इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये कल आप लोग करके दिखाओगे नंबर ऑफ जी आई कितना है, ठीक है। अच्छा ऑक्टेडल के लिए आप लोग क्या करोगे, लास्ट में पूरा टेबल बनाओगे, टेबल में सारे टाइप लिखोगे, ठीक है, और नंबर ऑफ जीआई लिखोगे, और मैं आपको केवल बोल दूंगा कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप एकदम रट लेना, ये टेबल कल तुम लोगों के कॉपी में होना चाहिए, टाइप लिखोगे, समराइज करके टाइप लिखोगे एंड नंबर ऑफ जीआई लिख दोगे, छोटा सा टेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहां तक हो गया जीआई, इसके बाद हम करेंगे ऑप्टिकल आइसोमोरिज्म, और नेक्स्ट दिन हम क्लास में करेंगे।